गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू पी एन स्टडी ग्रुप। आज हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि इससे रिलेटेड लगभग हर एग्जाम में एक या दो नंबर का क्वेश्चन बनता है। हम लोग का आने वाला एग्जाम है बिहार पुलिस दरोगा का मेंस होने वाला है, एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी, और इसे रिलेटेड जो है पक्का ही रहता है कि एक या दो नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रमुख समितियां। ओके दोस्तों, प्रमुख समितियां, केलकर टास्क समिति। केलकर टास्क समिति का संबंध किससे है तो करो से। केलकर टास्क समिति का संबंध किससे है? करों से। चलया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से। चलया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी के प्री में भी पूछा था, बीपीएससी के प्री में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा था। इसलिए आप लोग इस वीडियो को गंभीरता से और ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सेट मारिएगा प्रीवियस ईयर का, कांस्टेबल हो या फिर क्या बोलते हैं दरोगा हो, तो पक्का हम दावा के साथ कहते हैं कि एक या दो नंबर का क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। ओके दोस्तों, चलिए। अशोक मेहता का संबंध, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से। ये वाला भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी कितने परीक्षाओं में रिपीट कर चुका है ये वाला क्वेश्चन। अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। बलवंत राय समिति का संबंध पंचायती राज से है। अगर बहुत सारे बच्चों को ये वाला याद रहता है अशोक मेहता, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति का संबंध नहीं याद रहता है, और ज्यादातर बच्चे गलत ही कर देते हैं। इसलिए आप लोग इस दोनों को याद कीजिएगा, ताकि एग्जाम हॉल में आपको आंसर देने में कंफ्यूजन पैदा ना हो। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। राज समिति का संबंध किससे है? कृषि ज्योत से। राज समिति का संबंध किससे है? कृषि ज्योत से। हंटर आयोग समिति का संबंध किससे है? जालियांवाला बाग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में। हंटर आयोग समिति का संबंध किससे है? जालियांवाला बाग से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ज्यादातर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, चलिए। लिब्राहम समिति का संबंध किससे है? बाबरी मस्जिद और गोधरा कांड जो गुजरात में हुआ था। लिब्राहम समिति का संबंध किससे है? बाबरी मस्जिद एंड गोधरा कांड, दोनों से लिब्राहम समिति का संबंध है। ओके दोस्तों, आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो बीमा क्षेत्र से। बीमा क्षेत्र आपको समझ में आ रहा होगा, आर एन मल्होत्रा का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र से। वीके चतुर्वेदी समिति का संबंध किससे है? तेल क्षेत्र में कीमत सुधार। आजकल पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग आंदोलन या जो भी करते हैं तो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है, जिस समिति का नाम क्या है? वीके चतुर्वेदी। तेल क्षेत्र में कीमत की सुधार करती है वो। कौन सी समिति? तो वीके चतुर्वेदी समिति। ओके दोस्तों, चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मच्छर एंड बीमारी, यानी कि हमको मच्छर काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन से मच्छर काटते हैं तो कौन सी बीमारी होती है। ओके दोस्तों, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत मतलब ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। आप लोग सेट मारिएगा तो बिहार पुलिस हो या फिर यूपी पुलिस हो, तो एक या दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इस वीडियो से अगर हम पूरा दावा के साथ कर रहे हैं, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो एक या दो नंबर का क्वेश्चन बनेगा, पीटी या फिर कांस्टेबल का एग्जाम, बिहार पुलिस ड्राइवर, होमगार्ड ड्राइवर, जो भी एग्जाम दीजिएगा कांस्टेबल का फिर या एसआई का, उससे एक नंबर का क्वेश्चन उसमें या फिर दो नंबर क्वेश्चन बनेगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आग्रह है।
ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। मच्छर बीमारी, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ये वाला क्वेश्चन भाई आया था। किसमें आया था? तो बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड में क्वेश्चन आया था ये वाला, कि मलेरिया किस कौन से मच्छर को काटने से होता है। ये वाला चारों ऑप्शन रहेगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार मादा एडीज होगा कि मादा एनोफिलीज होगा। तो आप लोगों को यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ओके दोस्तों, तो आप लोग याद कीजिएगा, मलेरिया मादा एनोफिलीज, मलेरिया मादा एनोफिलीज के मच्छर काटने से होता है। ओके दोस्तों, डेंगू, डेंगू किससे होता है? तो मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू किससे होता है? मादा एडीज मच्छर काटने से होता है। आगे क्या है? सोने की बीमारी, सोने की बीमारी किस मच्छर को काटने से होता है? तो सीसी मक्खी, सीसी मक्खी को काटने से क्या होता है? सोने की बीमारी होता है। फाइलेरिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे आदमी है जिनको फाइलेरिया पैर में या फिर जहां भी हो पैर में हाथ में फाइलेरिया का बीमारी होता है। तो वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर, किस मच्छर के? क्यूलेक्स मच्छर। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मादा एनोफिलीज को मार देते हैं, ऐसा कहना गलत है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, तो फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर को काटने से होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, और इससे क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग, आप ही लोग नहीं ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज होकर गलत आंसर का उपयोग कर देते हैं, इसलिए आप लोग इससे बचिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? काला ज्वर, काला ज्वर किससे होता है? तो बालू या सिकटा मक्खी के काटने से काला ज्वर होता है। ओके दोस्तों, चलिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कौन क्या है। आप लोग पढ़े होइएगा 9th, 10th या 11th, 12th में कि तत्व क्या है, मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है। चलिए दोस्तों, मेरा क्या है? जल क्या है? यौगिक है। रेत क्या है? यौगिक है। यौगिक किसको बोलते हैं? यौगिक उसको बोलते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो उससे जो बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यौगिक बोलते हैं। यौगिक में क्या होता है? निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। ऐसे मान लीजिए जल, जल किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की मात्रा एक निश्चित अनुपात में मिली जाती है, तब जाकर हम लोग क्या जल तैयार होता है। ओके दोस्तों, चलिए तो जल क्या है? यौगिक है। और रेत क्या है? यौगिक है। अमोनिया भी क्या है? यौगिक है। आप लोग इस चीज को, इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, ताकि बच्चे क्या करते हैं, अब इस साधारण बच्चे से पूछा जाए जल क्या है, लोग घबरा जाते हैं, बोलते हैं जल यार तो मिश्रण है। मिश्रण कहना गलत है भाई, जल क्या है? यौगिक है। क्यों है? क्योंकि मैंने यौगिक का परिभाषा बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में क्या मिलकर बना होता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, और उससे जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए वायु, वायु क्या है? मिश्रण है। इस्पात क्या है? मिश्रण है। मिश्रण किसको बोलते हैं भाई? मिश्रण मतलब क्या होता है? तो मिश्रण उसको बोलते हैं कि इसमें अनुपात की मात्रा निश्चित नहीं होती है भाई। कहने का मतलब मेरा, पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, इसमें अनुपात की मात्रा निश्चित नहीं होती है। कहने का मतलब मेरा भाई, सीधी सी बात, कि इसे यौगिक में क्या होता था कि उसमें अनुपात की मात्रा निश्चित थी, और इसमें अनुपात की मात्रा निश्चित नहीं है। किसी भी मात्रा में किसी भी पदार्थ को, दो या दो से अधिक पदार्थ को हम लोग मिला सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मिश्रण बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो वायु क्या है? मिश्रण है। वायु मतलब हवा, हवा में आप लोग मान लीजिए कि हवा बहता है, तो हवा में किसी भी पदार्थ का मात्रा क्या है? निश्चित है। कहीं मान लीजिए नाइट्रोजन का मात्रा अलग रहता है, ऑक्सीजन का मात्रा अलग रहता है। नाइट्रोजन मतलब, कहने का मतलब मेरा, जब हवा बहता है तो ऑक्सीजन उसमें बहुत सारे धूलकण बहकर आते हैं, तो उसकी मात्रा जो है निश्चित नहीं रहती है, अलग अलग मात्रा में क्या बहकर आती है, तो वो मात्रा निश्चित नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? मिश्रण बोलते हैं। ओके दोस्तों, इस्पात क्या है? इस्पात भी मिश्रण है। इस्पात क्या है? मिश्रण है। अब बात रही कोयला और हीरा, तो कोयला क्या है? कोयला भी एक तत्व है, और हीरा भी एक तत्व है। तत्व कहने का मतलब क्या है पता है आपको?
देखिए भाई, तत्व तो कहने का मतलब इसका खंड नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको अधिक पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। इसका कहने का मतलब हीरा को आप लोग का तोड़िएगा, हीरा को तोड़िएगा हीरा ही निकलेगा, दूसरा पदार्थ आएगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ज्यादा मतलब ज्यादा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग थोड़े नहीं साइंस पढ़ा रहे हैं, हम लोग ऐसा ही जीके का क्वेश्चन बता रहे हैं कि तो, मतलब हीरा क्या है, कोयला क्या है, इस्पात क्या है। अगर आप लोग को साइंस पढ़ना है तो हम लोग साइंस का वीडियो बनाएंगे, आप लोग साइंस देखिएगा। तब तक के लिए आप लोग इतना देखिए, जानिए कि कोयला क्या है तो तत्व है और हीरा क्या है तत्व है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।